नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे कि जो है आटा चक्की की सेटिंग। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप आटा चक्की की सेटिंग के बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए दोस्तों मैं आज आटा चक्की की सेटिंग की वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है ये नीचे वाला घूमने वाला पत्थर है। अब हम दोस्तों घूमने वाले पत्थर के ऊपर हम टिका हुआ पत्थर, जो कि जाम पत्थर भी बोला जाता है, उसको टिका देंगे। दोस्तों नीचे दिए गए घूमने वाले पत्थर के ऊपर हमने जाम पत्थर रख दिया है। अब हम इसको सेटिंग करेंगे कि इसके अंदर हमारा गैप बिल्कुल ना हो, कि नीचे वाला पत्थर है जो घूमने वाला पत्थर है वो जाम पत्थर के साथ बिल्कुल सेट करके तरीके से बैठ जाए। देखिए दोस्तों, अब हम यही सेटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों सेटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि जो जाम पत्थर है ऊपर वाला, उसके ऊपर होल्स होते हैं जिसके हमें ऊपर नट टाइट करने होते हैं। अब उसी को हम साथ में लगे हुए जो स्क्रू और बोल्ट होते हैं उसके साथ टाइट करना होता है। तो चक्की को जाम करने के लिए हमें 4 बोल्टों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम एक बोल्ट जब हम चक्की बनाते हैं तो उतार लेते हैं, जब चढ़ाते हैं फिर इसको हमें लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब हम वही 4th बोल्ट लगा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए दोस्तों, जो ये जाम चक्की होती है उसके ऊपर 8 जगह पे हमें बोल्ट टाइट करने पड़ते हैं, जिससे ये जाम चक्की चारों बोल्टों के ऊपर जाम हो जाएगी। इसलिए हम देखिए दोस्तों, चारों की चारों दिशाओं में जो बोल्ट होते हैं उसको हम जाम कर रहे हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों, ये जाम करने के बाद हम इसको टाइट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम चारों दिशाओं में जो बोल्ट लगे हैं उसको अब टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद हम इसको अच्छे से कस देंगे, क्योंकि इसी के ऊपर जाम चक्की बैठेगी, इसलिए इसको टाइट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखिए दोस्तों अब टाइट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो दिए गए टाइट बोल्ट हैं उसमें हमने टाइट कर दिया। अब इसको हम बोल्ट की सेटिंग करेंगे, इसी को चक्की की सेटिंग करते हैं, क्योंकि ये चक्की की कैसे चलेगी इसी की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। पहले हम जो चक्की में दाब होती है, जिसको हम दाब बोलते हैं, उसको लगा लेंगे, तभी इसकी सेटिंग करेंगे। उसको हम चारों दिशाओं में कस लेंगे अच्छे से। कसने के बाद हम देखेंगे कि जाम चक्की है जो, और जो नीचे वाली गई घूमने वाली चक्की है, वो आपस में बिल्कुल मिल जाएं। तो इसीलिए हमने पहले ही दबाव लगा लिया है। दबाव लगाने के बाद हम इसको अब देखेंगे कि दबाव खोल लेंगे उसके बाद, थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले इसको अच्छे से जाम कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम यही कर रहे हैं कि पहले इसको पूरे अच्छे से चारों दिशाओं पे जितनी भी सेटिंग है उसको सेटिंग तरीके से, कि नीचे वाला पत्थर और ऊपर वाला पत्थर बिल्कुल टाइट हो जाए। दोस्तों हम एक बार ही दाब को खोल कर फिर लगा देंगे तथा उसके बाद फिर उसकी सेटिंग करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रही है। इसी में बोल्टों की सेटिंग करनी है, जिससे चक्की। दोस्तों अब हम एक बारी दाब को हटा कर देखेंगे, फिर उसकी दोबारा सेटिंग करेंगे बोल्टों की। देखिए दोस्तों, अब वही हम दोबारा बोल्टों की सेटिंग, क्योंकि ऊपर से हमने बिल्कुल कस दिया था, अब नीचे से कस रहे हैं। अब ये चारों के चारों बोल्ट हम नीचे से कस रहे हैं, इसी से सेटिंग होगी दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम देखेंगे कि ये कैसे सेटिंग बैठ रहा है। अब हम सेटिंग करने के बाद अब इसकी दबाव खोल देंगे, और दाब को खोलने के बाद हम देखेंगे कि चक्की फ्रीली घूमे, नीचे वाली फ्रीली घूमे, तभी हम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम यही दाब को खोल रहे हैं, और दाब खोलने के बाद हम इसकी देख रहे हैं कि ये चक्की बिल्कुल फ्रीली घूमे, अपने आप ही घूमे। अब देखिए, हम नीचे पुली से अब इसको घुमा रहे हैं, घूमने के बाद ये घूमेगी, तो घूमनी चाहिए अच्छे से, तभी हम ये अच्छे से काम करेगी दाब और घूमने के साथ। देखिए दोस्तों, अब हम बिना दबाव लगाए चक्की को घुमाएंगे मोटर से। देखिए दोस्तों, अब दबाव नहीं लगेगा, लेकिन हम चक्की को घुमा रहे हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि चक्की बिल्कुल सेट हुई है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अब यही चक्की चल रही है मोटर के ऊपर, लेकिन दबाव नहीं लगा हुआ। देखिए दोस्तों, अब यही पूरी चक्की चल रही है। अब इसी तरीके से हम एक बारी दबाव को लगा के देखेंगे, फिर उसको हटा कर देखेंगे। अब इसको देखिए दोस्तों, हमने दबाव लगाया थोड़ा सा, कि सेटिंग कर रहे हैं चक्की की पूरी दबाव लगाने पर। अब पूरी दबाव लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये दबाव लगाने पर, अब ये देखिए दोस्तों, दबाव लगाने पर ये चिंगारियां निकलनी चाहिए तीनों तरफ से, चारों तरफ से की चिंगारियां निकलेंगी, तभी ये समझ आएगी कि ये चक्की आटा पीस ठीक तरीके से पीस देगी। तो इसी तरीके से हमें चिंगारियाँ निकलनी। दोस्तों हमने इसके अंदर दबाव लगाया तो इसके अंदर मिट्टी के कण पैदा हो जाएंगे, तो मिट्टी के कण पैदा होने के कारण हम इसको ब्लोअर से साफ़ करेंगे।
ब्लोर से साफ़ करने से इसके अंदर जो भी मिट्टी के कण होंगे और वो होंगे वो आटे के अंदर नहीं आएंगे, इसलिए हमें दोस्तों इसको ब्लोर से जरूर साफ़ करना चाहिए। अब हम देखिए दोस्तों चारों तरफ से इसको ब्लोर से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि चक्की बनी हुई है और इसको ब्लोर से साफ़ करने से बिल्कुल सफाई हो जाएगी। दोस्तों देखिए हम यही कर रहे हैं, अभी चोकर से साफ़ कर रहे हैं ब्लोर से। दोस्तों ब्लोर मारने के बाद हम इसकी हॉपर की सेटिंग करेंगे, हॉपर में दाने चलते हैं इसलिए दोस्तों हम अब हॉपर की सेटिंग करेंगे। इस हॉपर की सेटिंग में हमें चार बोल्ट दिए गए होते हैं ऊपर वाली जाम चक्की के ऊपर। अब हम उसको दोस्तों देखिए दोस्तों अब इसके ऊपर हम बोल्टों से कस देंगे, तो इसलिए दोस्तों देखिए दोस्तों दोनों तरफ से हम बोल्टों से कस रहे हैं। हॉपर लगाने के बाद हम इसको लपेटा की सेटिंग करेंगे, जो साइडों में चारों की तरफ चारों बोल्टों से हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लपेटा लगा रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट लपेटा है और बहुत ही अच्छा काम करता है, आप भी ट्रांसपेरेंट लपेटा खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों अब हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से लपेटा लगा दिया है और चारों तरफ से लपेटा लगाने के बाद हम अब इसकी सेटिंग कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये चारों तरफ से लपेटा लग गया, अब लपेटा लगाने के बाद हम इसकी बोल्ट से सेटिंग करेंगे। बोल्ट से सेटिंग करने से ये बिल्कुल कस देंगे, इसको बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि इसमें से आटा नहीं निकलना चाहिए, इसलिए अब हम बोल्टों से सेटिंग करने के बाद इसको सेट कर देंगे पूरा अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों अब बोल्टों को कस देंगे और ये फिर ये लपेटा पूरा सेट हो जाएगा। लिपेटे की सेटिंग के बाद अब हम एक दोस्तों एक थैला लगाकर इसके अंदर चोकर पीस लेंगे, क्योंकि ये अगर जो और भी मिट्टी होगी तो वो निकल जाएगी और आटे में नहीं आएगी, इसलिए दोस्तों चोकर ज़रूर पीसना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।